आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू एवन ट्रैक्स मॉडल नंबर 26। आप यहाँ पर देख पाएंगे मॉडल नंबर 26 एवन की ये साइकिल है और ये ट्रैक्स की है, मतलब इसका जो मॉडल है वो ट्रैक्स नाम से जाना जाता है। तो अभी मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि जो इसकी जो आगे वाली जो गियर थी पीछे वाली बराबर एकदम वर्क कर रही है, जो आगे वाली गियर थी ये वर्क नहीं कर रही। तो आज हम लोग जानेंगे कि साइकिल की गियर को कैसे बनाते हैं, कैसे सही करते हैं, और इसको अभी हम लोग जान जाएंगे कि ये कैसे सही करते हैं। और जो इसकी पीछे वाली गियर है ये मैं आपको चला करके दिखा दूं। और यहाँ पर जो इसके जिससे ये गियर चेंजर लगे हुए हैं, गियर चेंजर ये भी वर्क कर रहे हैं दोनों साइड, और इसमें बहुत ही जल्दी आप ये सीख जाएंगे। इसमें कुछ आपको करना नहीं है, गियर से छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें। आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी इसमें कोई भी ख़राबी आए तब आपको ये वायर चेक करने हैं, ये गियर के वायर होते हैं। इसमें अगर कभी बीच बीच में अगर आप ऑयलिंग करते हैं, ये देख पाएंगे यहाँ से दोनों वायर इसमें जा रहे हैं, एक ये है और दूसरा वाला बगल में है, ये बगल वाला। तो आप बिल्कुल भी गियर से छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर इसकी सेटिंग होती है। ये जो दोनों बोल्ट दिख रहे हैं आपको, ये सेटिंग के हैं। अगर इसमें आपने छेड़छाड़ कर दी तो बिल्कुल भी आपकी गियर बनने की उम्मीद नहीं रहेगी। और वैसे तो बना सकते हैं हम लोग, अगर मैं चाहूँ तो इस पर वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे सजेशन नहीं दूँगा कि आप वहाँ पर छेड़छाड़ करें। और ये जो वायर आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले इनको हम निकाल लेते हैं और इसमें ऑयलिंग करके इसको टाइट से वापस बांध देते हैं तो ये सही हो जाते हैं। चलिए दिखाते हैं, हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली गियर पर है, और ये अभी मैं साइकिल की चेन को चलाता हूँ, मतलब जो व्हील है उसको चलाता हूँ, और वहाँ से गियर चेंज करेंगे तो ये सारी वर्क करेंगे। आप देख पाएंगे, ये देखें, ये सारी वर्क कर रही हैं। अब आगे वाले की बारी आती है तो आगे से देखते हैं। ये सबसे नीचे वाले पोर्शन पे हैं जैसा कि आप देख पाएंगे, और इसमें दो गियर अभी बाकी हैं, ये और ये। चलिए चला के देखते हैं इसको और चेंज करके देखते हैं। ये देखें, कभी कदार ये छोड़ रही है और एक कदम और ऊपर, ये देखें, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। और ये कभी कदार वर्क करना बंद कर देती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वायर यहाँ से घूम करके इधर से यहाँ पर इस बोल्ट में टाइट है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक एलंकी चाहिए हमको जो कि इसमें फंसाएंगे। फंसाने के बाद इसको ढीला करते हैं। ये देखिए, अगर तार ढीला होगा तो ये एकदम एलंकी ढीली पड़ी होगी। और ये जो वायर है इसको निकाल लेते हैं पूरा। आप देख पा रहे होंगे ये जो वायर है इसमें अभी हम लोग ऑयल लगाएंगे अच्छी तरीके से, कि ताकि ये अच्छी तरीके से वर्क करने लगे। तो आपको करना क्या होगा, इसमें ऑयल लगाना होगा। अगर आपके पास ऑयल ना हो तो आप ग्रीस का भी प्रयोग कर पाएंगे। जैसा अभी मैंने वायर निकाला था वैसे ही इसमें फिट कर लेंगे। क्या करना होगा, यहाँ पर आपको बीच पे कटा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, वायर इसके अंदर डालना है और ये खींच लेना है, सेट हो जाएगा अपने आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक वायर मैंने यहाँ पर भी मैंने जैसे निकाला था वैसे ही इसको लगा लेंगे वापस। टमाटर गाजर मटर,
और एक प्लास की ज़रूरत पड़ेगी, इसको प्लास बोलते हैं, और इसको कस के खींचेंगे हम लोग वायर को कि कहीं पर ढीला ना रहे। और फिर इसके बाद इस बोल्ट में टाइट कर देंगे। इस वायर को अच्छी तरीके से टाइट रखेंगे। और फिर अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। अब क्या करना होगा, जो ये वायर बचा हुआ वायर है इसको एक ऐसे सर्कल टाइप का बनाना है हमको, जितना ही छोटा सर्कल, लेकिन वायर को आप कट ना करें कभी भी, वायर को कट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें से इसको गुजारना है। और इसी में ऐसे फंसा दीजिए कि जिससे आने वाली प्रॉब्लम भी ना हो और ये चलने लगे। तो अभी हम लोग गियर चेक करेंगे फिर से एक बार। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गियर एकदम प्रॉपरली वर्क करने लगी है। ये देखिए जब आप चलाएंगे तो एकदम सही हो जाएगी। तो आप अपनी साइकिल के गियर को ऐसे ही सही कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करके कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी ही अनोखी वीडियो देखने के लिए।